हेलो जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक होंगे। आज का व्लॉग बड़ा डिफरेंट होने वाला है। शॉपिंग को निकले हैं मैं और बिलाल भाई। बिलाल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक जी। आप इतने दिन कहाँ थे आप? मैं अबू धाबी में, जरा काम की मसरूफियात में था। ये आजकल शारजा से अबू धाबी जो है ना, काफी जाते हैं, इनका कोई काम वहाँ शुरू हो चुका हुआ है, इसीलिए काफी देर से हमने इकट्ठे व्लॉग नहीं बनाया था। तो आज हम एक छोटी सी शॉपिंग करने के लिए निकले हैं और वहाँ पर जाकर शॉपिंग करते हैं, कुछ घर का सामान खरीदना है। ये पास ही नेस्टो है और नेस्टो में जाके आज हम दिखाते हैं कि वहाँ पर सेल क्या कतरे बेहतर होती हैं उनकी, कुछ कह लें कि कुछ सेल्स वगैरह, क्या कह लें कि वैसे तो मैं आपको हमेशा एक बात मेरी याद रखें कि जहां से अच्छा मुनासिब प्राइस आपको मिले ना, वहां से शॉपिंग किया करें। भूल जाएं कि नाम क्या है। कई दफा बड़ी बड़ी कमाल चीजें जो है ना, छोटी छोटी दुकानों पे बड़े अच्छे प्राइस में मिलती हैं। तो मैं तो सब अपने जितने मेरे फॉलोअर हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा। क्या कहते हैं बिलाल भाई? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। क्योंकि ये जो सुपरमार्केट्स हैं या जो भी शॉप्स हैं, देखिए हम उनके कस्टमर हैं, हम उनको कोई रिश्तेदार नहीं है कि जिस भी प्राइस में वो हमें निचोड़े, हम खुद को जो है ना अपना खून उनको देते रहें। आप अपने बजट में रहें और अपने लिए सबसे पहले अच्छा सोचें कि आपके लिए अच्छा क्या है। रश काफी है इस वक्त। ये सामने नेस्टो है जहाँ पर आज हमने शॉपिंग करनी है, तो यहाँ से सेल्स वगैरह देख लेते हैं अभी आज कौन सी है। इधर से हम बिलाल भाई इधर से ले लें जी जी, और बाहर ही पार्क कीजिएगा, क्योंकि अंदर घुस गए ना एक दफा तो फिर निकलते हुए भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप शारजा में होते हैं, दुबई में होते हैं, तो आप ज्यादातर शॉपिंग कहाँ से करते हैं? अपने फीडबैक में कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। ये सामने पार्किंग हमको मिल गई है। यहाँ पर काफी पार्किंग जो है ना अवेलेबल रहती है, सबसे अच्छी बात यही है। आजकल शारजा का जो मौसम है ना, जनवरी लास्ट, बहुत मज़े का मौसम है। वैसे तो दोपहर को आप जून जुलाई में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप निकल सकें घर से बाहर, और इस वक्त ठंडी ठंडी हवा, माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार मौसम रहता है शारजा का। बिलाल भाई को ना क्रेडिट कार्ड वालों ने घेरा हुआ है और ये खड़े रहते हैं यहाँ पर। जैसे ही हम एंटर होते हैं ना मार्केट में तो ये खड़े रहते हैं। तो बिलाल भाई लगता है आज जो है ना कार्ड बना के छोड़ेंगे यहाँ। पहले ही पता नहीं कितने कार्ड है बिलाल भाई आपके पास? मेरे पास काफ़ी है चार। हाँ, बस आज ये बैंक में जो है ना आपका कार्ड बना के छोड़ेगा आपको। व्हाइट ब्रेड उधर है, व्हाइट ब्रेड और क्या? व्हाइट ब्रेड, सफेद चने लेने। सफेद चने उस तरफ है। उसके बाद लॉन्ग लाइफ मिल्क भी लेना। लॉन्ग लाइफ मिल्क उस तरफ है, दूसरी तरफ। इधर काफी आज जुमा है ना तो सेल काफी लगी हुई है। ओ भाई जान, ये छोटी है जी, ये छोटी है, ये डेट मुझे काफी पुरानी नहीं लग रही। तो आप आज की लो ना, 17 की है जी। डेट देखो आप आज की लो। ये चपाती आप रेडी कैसे करते हैं? इसको बस रखेंगे तवे के ऊपर बस। हाँ जी, ये तो अच्छा है, ये तो रेडी। चलो जी, चपाती भी ले ली। अब क्या लेना है? दूध उस तरफ है, मिल्क लेना है। वो उस तरफ है मिल्क। भाईजान लॉन्ग लाइफ मिल्क जो है ना वो इधर पड़ा होता है।
तो कौन सा मराई है? अलैन, ये रख लो, ये चाहिए, जगह बनाओ जरा, ट्रॉली लगता छोटी ले रही है। ये सामने देखो पाकिस्तानी किनू आए हैं दोस्तों, और थोड़े से किनू भी ले लेते हैं। नहीं तो लिए कितने हैं? बस ये 4-5 दाने। ये देखें दोस्तों कितने खूबसूरत जो है ना ये किनू आए हैं, पाकिस्तानी किनू हैं ये। 4-5 आइटमें और रह गई हैं बस, और दूध लेना, दूध तो ले लिया मेरा ख्याल है, फ्रेश दूध तो नहीं लेना, लॉन्ग लाइफ मिल्क ही लेना, चने उस तरफ हैं। शाम की चाय के साथ ये उबाल के ना थोड़े से टमाटर डाल के वाइट चने ये ज़रूर आप शामिल करें, फिर देखें वज़न भी कम होगा और एनर्जी भी आपकी बाहर रहेगी। ये पुराना टेस्ट है बिलाल भाई। जी बहुत ज़बरदस्त। कितना 21 दरम का है ये? 6 पीस। इससे थोड़ा महंगा होता है लेकिन इसका टेस्ट जो है ना ये पुराना वही है। जी रखें, ये ट्रॉली हमको बड़ी लेनी चाहिए थी सर, एडजस्ट कर बस, ये इसके ब्रेड के साथ ही रख दे। बिलाल भाई ना छोटा वो कैन होता है वो नहीं पीते, ये पता नहीं इनको अपना ही चस्का, मैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पीता नहीं लेकिन इनको अपना ही चस्का है कि नहीं बोतल वाली पुरानी कोक ही लेनी है, वही लिया उन्होंने। बिलाल भाई झाड़ू कौन सा लेना है आपने? ये फूल झाड़ू कौन सा होता है? ये तो ब्रश ब्रश वगैरह है। अच्छा ये लेना है, अच्छी सी क्वालिटी देखते हैं जो कह रहे थे। ये जी फूल झाड़ू पसंद कर रहे हैं, और इधर कोई है? और भी है ना दूसरी किस्म के, उस तरफ होंगे वो, उस तरफ होंगे वो सारे उस तरफ लगे हुए हैं। ये तो खुला हुआ है, यूज पड़ा हुआ है ये। भाई जान तलाश खत्म हुई मेरे ख्याल, ये पसंद आ गया आपको। ये आटा मैंने लिया 5 किलो और ये 15 दरम का प्राइड ऑफ पाकिस्तान नेस्टो में, और यही यूज करता हूँ, आज सेल में अच्छे प्राइस में लगा हुआ है ये। बिलाल भाई आपको को कप समझ आ रहे हैं? जो मेरा जुमा को ना नेस्टो पे यहाँ पर अच्छी सेल लगी होती है, काफी प्राइजेस तकरीबन 10-15% जो है ना वो कम होती हैं। ये स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल नहीं है, ये मेरी पर्सनल व्लॉगिंग है, और ऐसा नहीं है कि नेस्टो वालों ने मुझे पैसे दिए हैं तो मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। जहाँ से सस्ती शॉपिंग और अच्छी होती है वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता रहूँगा और दिखाता रहता हूँ। शॉपिंग दोस्तों ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम काउंटर की तरफ चलते हैं, बस इतनी थोड़ी सी शॉपिंग थी आज। काउंटर खाली ढूंढें कोई जहां पे रश कम हो, बस इधर ही रुक जाते हैं, क्या ख्याल है? इधर थोड़ा बस अभी कुछ देर में फ्री हो जाएगा। जी चले। ये नेस्टो का ना एक इनाम कार्ड होता है, ये आप शॉपिंग के टाइम जब आप देते हैं तो इसमें आपको पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, और उस पर फिर बाद में आपको वाउचर मिलता है जो आप में दोबारा से यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। नेस्टो कार्ड या नेस्टो कार्ड दिस वन, ये इन्होंने अप कर दिया है तो ये पॉइंट्स मेरे अकाउंट्स में मोबाइल एप्लीकेशन में आ जाएंगे। आखिर कितना फिर? 160 10 दिरहम डिस्काउंट करो। ये देखो 1, 2, 3, 160। शॉपिंग दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है, छोटी ट्रॉली से हम बड़ी ट्रॉली पे आ चुके हैं।
अब हम यहाँ लिफ्ट से ऊपर जाएंगे और ऊपर से भी कुछ मेरा ख्याल है कुछ कूपन मिला है वो फ्री डिस्काउंट का बिलाल भाई को। बिलाल भाई तो ऊपर चल के वो देखते हैं आपको डिस्काउंट। मुझे लेनोवो का ये पर्स जो है वो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट में मिला। 99 का ना ये तो 100% डिस्काउंट। 105 दिरहम की हमने शॉपिंग की है तो 50 दिरहम डिस्काउंट का उन्होंने हमें एक वाउचर दिया है। ये ऊपर का फ्लोर है इनका, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स काफी चीजें हैं। एयरबड्स ले लिए बिलाल भाई ने। अभी बिलाल भाई जो है ना वो यहाँ टीवीज वगैरह की ऑफर देख रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पहले आपने पाकिस्तान भिजवाए थे ना दो टीवी 50-50 इंच के सैमसंग के, तो अभी फिर ये ऑफर देख रहे हैं। मेरा ख्याल है यहाँ के घर के लिए इन्होंने कोई देखना है, देखेंगे प्राइस समझ आया तो लेंगे, ऐसा नहीं कि हर चीज उठा के। हाँ विंडो शॉपिंग बहुत जरूरी है ताकि मार्केट की खबरें आपको पता चलती रहें और मार्केट के प्राइस आप जानते रहें कि कौन सी चीज़ मार्केट में किस प्राइस में है, किस भाव में बिक रही है। अक्सर यही होता है, लेने एक दो चीज़ आते हैं और फिर जब सेल्स देखते हैं तो फिर हर चीज़ जो है ना वो देखनी शुरू हो जाते हैं। लेकिन शॉपिंग जो है ना हमने हमारी कम्प्लीट हो चुकी है और अब हम सिर्फ जो है ना यहाँ पर नज़र मार रहे हैं। इस वक्त तक तो मेरे लिए तो कम से कम कोई इतनी को ख़ास अच्छी सेल नहीं है क्योंकि काफ़ी ड्रेसेस मैं पहले ही बाय कर चुका हूं और अब बिलाल भाई कुछ शर्ट्स को देख रहे हैं। वो देखें मेरे पीछे खड़े होकर, वो अच्छी शर्ट्स हैं ये, लेकिन मैं ज़्यादातर टी शर्ट्स ही पहनता हूं इसलिए मेरे लिए तो टी शर्ट्स पिछले वीक में अच्छी दो टी शर्ट्स थी वो मैंने लिए थी, अच्छी डिस्काउंट के साथ मिल गई थी। बिलाल भाई ये दोनों में से कौन सा कलर लिया है? ना ये एक वाइट लूंगा एक ये लूंगा, मैं तो यार तो दोनों में से एक ही कलर चेक कर लूं तो ये साइज का दोनों चेक कर लेना, देखें पहले कौन सा अच्छा लगता है। उधर वो चेंजिंग रूम है वहां देख लें आप। जी बिलाल भाई तो गए हैं चेंजिंग रूम में, मैं उतनी देर में आपको यहाँ के कुछ व्यू दिखाता हूँ। हल्की हल्की भूख लग चुकी है अब क्योंकि काफ़ी घूम फिर चुके हैं इस मार्केट में और अब बस नीचे चलते हैं। नीचे जाके एक छोटा सा कैफेटेरिया यहाँ पर अच्छी चाय मिलती है और वहाँ से जाके कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए लेते हैं। बिलाल भाई कौन सी समझ आई है? ये दोनों शर्टें जो है ना दोनों लार्ज हैं। जी जी ये दोनों का फैब्रिक भी जबरदस्त है यार, अच्छी मिल गई है आपको सेल में, कपड़ा भी अच्छा है कॉटन का। चलें जी बिलाल भाई को तो समझ आ गई हैं और दो शर्ट्स इन्होंने ले ली हैं, अब हम इसको पे करते हैं और फिर हम नीचे चलते हैं और अपना सामान लेते हैं। बिलाल भाई यार चाय पिलाएं यार। जी अभी इंशाल्लाह चलते हैं टी पार्क में, वही ना, और वहाँ के चाय भी बहुत ग्रीन टी हम वहाँ जाके पियेंगे, मैं जैसे आपको बताया था, और मोयला की बेस्ट चाय है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं चाय पीने के लिए। पानी पत्ती तो वही होती है, मेरा ख्याल है कुछ इखलास वगैरह का को होता है कि अल्लाह ताला व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, क्या ख्याल है, जिसको अल्लाह ताला अता फरमा दे तो दूर दूर से उसका रिस्क जो है वो उसकी तरफ भागता है। जब आए थे तो दिन था, ये तो रात हो गई है। हाँ जी बिलाल भाई देखें मौसम कितनी देर चेंज होता है कितनी जल्दी। रेस्टोरेंट की लाइटें देखें कितने खूबसूरत लग रही हैं मेरे सामने, वो मजमा इधर से जाना हमने कि इस तरफ से चले आ जाए, इधर इधर से आ जाए। हाँ जी वो सामने मजमा अल कुरान अल करीम की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, वो सामने अलफला मस्जिद, ये मोयला कम्युनिटी और ये है नेस्टो। यूएई का मौसम कमाल मौसम, ऐसा मौसम जो है ना चंद महीने के लिए रहता है, वरना फिर आपको पता है खजूरें पकने का टाइम हो जाता है और फिर गर्मी ही गर्मी, बाहर रात को भी नहीं निकला जाता, बिल्कुल जो है ना वो कपड़े भीग रहे होते हैं और निकलने का मज़ा इसी मौसम में है। जी दोस्तों गाड़ी में आ गए हैं और अब हम जाएंगे कुछ चाय का लुत्फ़ लेंगे, मैं ग्रीन टी पीऊँगा, बिलाल भाई जो हैं वो बिलाल भाई भी आज ग्रीन टी पियेंगे,
कुछ उबला हुआ अंडा साथ आप इंजॉय करेंगे, एक एक चेक कर लेंगे, एक एक चेक कर लेते हैं, थोड़ी काली मिर्च डाल के, है कि नहीं जी? बिल्कुल, नमक भी डाल। ठंड थोड़ी थोड़ी हो रही है तो थोड़ा जिस्म जो है वो वार्म हो जाएगा, सही है ना। सामने इधर लूलू भी है, और लूलू के इस तरफ अगर हम जहाँ राइट साइड पे जा रहे हैं, मेरे घर पे रास्ते पे आता है ये इसके साथ सफारी भी है। नेस्टो से हम शॉपिंग कर चुके हैं, ये रास्ते में आ रहा है, बस अब हम घर जाएंगे, चाय वाय पी चुके हैं। एक बाइक का ग्रीन टी जो है, थोड़ा लेमन थोड़ा शुगर, मेरा ग्रीन टी में लेमन शुगर और मिंट, ठीक है ये लियो। ये है जी कैफेटेरिया टी पार्क, यहाँ आप देखें कितनी ट्रैफिक है। मैं फिर आपको बताऊं, ये स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल नहीं है। मुझे अक्सर ईमेल्स आती हैं कि आप खानों का रिव्यू करते हैं तो आप चार्ज करते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मुझे जहां का खाना अच्छा लगता है मैं एक दफ़ा ट्राई करता हूं और फिर दूसरी दफ़ा दोबारा खाने आपके लिए जाता हूं, वीडियो बनाता हूं और आपको बता देता हूं भाई इस रेस्टोरेंट पर ये चीज़ अच्छी बिक रही है और अच्छी सेल कर रहे हैं, प्राइस अच्छे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं आप। हमेशा एक बात याद रखें, देखें ये थोड़ी देर के लिए आपको खुद को समझाना होगा कि ये शोशा मारना और ये चीज़ करना कि मैं बड़ा अमीर हूँ, अमीरी गरीबी जो है ना वो इन चीज़ों से कभी जाहिर नहीं होती। आप अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छी सेहत के साथ रहें, लेकिन पैसे को जाया मत करें। एक चीज़ अगर 5 दिरहम की है तो 5 दिरहम की परचेज करें, उसको 15 दिरहम की परचेज करके अपनी अमीरी का झाड़ना कहाँ का लिखा हुआ है भाई? 10 दिरहम आपके जाया हो रहे हैं, क्या क्या कहते हैं बिलाल भाई? बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टोयोटा की जो प्राइस है, टोयोटा उसी प्राइस में लें। मैं ये नहीं कहता कि आप लग्जरी लाइफ इंजॉय नहीं करें, लेकिन पैसे को जाया मत करें, ये इस्लाम में कहीं पर भी हमें हुक्म नहीं है। अगर एक चीज की प्राइस 2 दिरहम है तो उसी को 2 दिरहम में ही खरीदे। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये। आज आपने मेरे साथ शॉपिंग करते आपने मुझे देखा, मैं ऑफर देखता हूं, सेल्स देखता हूं, और अगर कुछ पैसे उसमें डिस्काउंट करके आप कुछ उससे कुछ और चीज खरीद सकते हैं तो उससे आप कुछ और ढेरों चीजें खरीद सकते हैं उन पैसों से। सेहत की कदर करें, उसके बाद अपने पैसों की कदर करें। कमाते आप बहुत कह लें कि खून पसीना लगा के आप यूएई में पैसा कमाने आते हैं, इसको हिफाजत के साथ खर्च करें और जाया मत करें। बिलाल भाई आपका इस बारे में क्या कहना? बिल्कुल आपने सही फरमाया है, और जितने भी मैक्सिमम जो है ना, इस महंगाई के दौर में अगर आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं तो जरूर करने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे आपकी ये बातें बड़ी अच्छी भी लगी, मेरे ख्याल से आ गई है ठीक। भाई के ये भाई जान का मोबाइल ये जी आ गए, मेरी ग्रीन टी, थोड़ा शुगर थोड़ा लेमन। शुगर तो नाम की होती है, लेमन ज्यादातर मैं पसंद करता हूँ। हाँ, मुझे लोग कहते हैं सड़ूपा लगा के क्यों पीते हो, खामोशी से पिया करो। मैं यार गरम गरम होंठ जल जाते हैं, करें तो करें क्या, मज़े की चाय, मज़ा आ गया। अभी एक एक उबला हुआ अंडा खाएंगे और ख़ुद को थोड़ा सा वार्म करेंगे। वाह वाह क्या बात है जी। तो दोस्तों अब हम घर की जानिब रवा दवा हैं और चाय हम पी चुके हैं, बस अब हम घर जाएंगे, घर जाके फ्रेश होंगे। ये शारजा आप देखें, रात को कितना खूबसूरत मंजर होता है शारजा का, माशाल्लाह। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप दुनिया में किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, और आप वहाँ जब शॉपिंग करते हैं तो आप क्या चीज़ मद्देनज़र रखते हैं? आप ब्रांड्स वगैरह के पीछे भागते हैं, या फिर आप जो है अपनी जेब देख कर अपने हिसाब से अपना पूरा फैमिली बजट बना के फिर आप चलते हैं? ये व्लॉग आपको कैसा लगा, इसमें क्या क्या बेहतरी मैं ला सकता हूँ, ये भी प्लीज़ प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, और सफ़र इसी तरह चलता रहेगा। बिलाल भाई भी चाय पी चुके हैं। बिलाल भाई जी सर, आज का सफ़र कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत मज़ा आया जिया भाई आपके साथ, और चाय का भी बड़ा मज़ा आया, और शॉपिंग भी आज हमने माशाल्लाह ढेर सारी की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा साथ इसी तरह चलता रहेगा, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब अगर दिल करे तो कर लीजिएगा, नहीं दिल करे तो आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, और अल्लाह ताला आप पर हमेशा आसानियां पैदा फरमाए, अपनी रहमत के साए में अल्लाह ताला आपको रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।